शाहरुख खान की जगह आईपीएल 2022 के नीलामी में पहुंचे आर्यन और सुहाना। ड्रग्स केस के बाद पहली बार पब्लिक में दिखे स्टार किड। क्रिकेट के झमाझम इवेंट आईपीएल 2022 का मन सज गया है और शुक्रवार से दो नई टीमों के साथ टी20 के इस सबसे बड़े आयोजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान और जूही चावला को हर बार नीलामी में देखना फैंस का एक फेवरेट मोमेंट सा बन गया है। लेकिन नए वक्त में नए दौर का इशारा करते हुए शुक्रवार आईपीएल नीलामी में एक ऐसा सीन दिखा कि शाहरुख के फैंस को मजा ही आ गया। नीलामी की टेबल पर शाहरुख की जगह उनके बच्चे आर्यन खान और सुहाना खान दिखाई दिए। पिछले साल ड्रग्स केस में गिरफ्तारी और पूरे विवाद के बाद ये आर्यन का पहला पब्लिक अपीयरेंस है। इंडियन प्रीमियर लीग के ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई तस्वीरों में भी आर्यन और सुहाना नजर आए। केकेआर के मालिकों की तरफ से एक और युवा चेहरा चर्चा में बना रहता है, वो है जूही चावला की बेटी जाह्नवी। दो साल पहले भी आर्यन और जाह्नवी ने इस नीलामी में शाहरुख और जूही को रिप्रेजेंट किया था। उस समय इनकी तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी और जूही ने इस बारे में बात भी की थी। मीडिया से बात करते हुए जूही ने कहा था, आर्यन और जाह्नवी को देखकर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। पहले ये कि नेचर कितनी अमेजिंग है, एक झलक में आर्यन यंग शाहरुख जैसे लगते हैं और जाह्नवी कितना मेरे जैसी लग रही थी। जूही ने उस समय ये भी कहा था कि इन दोनों को ही क्रिकेट में दिलचस्पी अपने आप जगी है। आर्यन और जाह्नवी दोनों ने केकेआर टीम में खुद से बहुत दिलचस्पी ली है। दोनों को ऐसा करने के लिए कोई जोर नहीं दिया गया, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो सच में ऐसा करना चाहते हैं। सो गाइज, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं।